हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन छात्रों के लिए बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ चुकी है जी हां फ्रेंड्स, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इंपॉर्टेंट नोटिस है फ्रेंड्स, एएलपी एंड टेक्नीशियन वेरियस पोस्ट के सभी छात्रों के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जिन छात्रों ने री मेडिकल के लिए अपील किया था उनकी एएलपी की एक्सेप्टेड लिस्ट जो है वो आ चुकी है और फाइनली उनका जो है नोटिस जारी हुआ है, जिसमें आपके स्टेटस वगैरह और फुल शेड्यूल वगैरह जारी कर दिए गए हैं जी हाँ फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर एक जोन का अपडेट है ये कि जिन छात्रों ने मेडिकल के बाद जो लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड में पास हो गए थे, वो छात्रों ने पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए अपील किया था, उनके लिए भी बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए फ्रेंड्स। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आप सभी को बताया मैं रेलवे की पल पल की अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ। फ्रेंड, जो फर्स्ट अपडेट है वो आरआरबी गोरखपुर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। जब आप गोरखपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो रिजल्ट के सेक्शन पर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर को फर्स्ट नोटिस देखने को मिलेगा, कैंडिडेट्स क्लियर्ड आफ्टर री मेडिकल वाइड सीएन नंबर 01/2018 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी नंबर 2। यहाँ पर फ्रेंड्स, री मेडिकल के लिए यहाँ पर जो है कैंडिडेट क्लियर हो चुके हैं री मेडिकल के बाद। तो यहाँ पर लिस्ट को देखते हैं हम, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गोरखपुर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट नोटिस, विद रेफरेंस टू द सीएन नंबर 01/2018 द कैंडिडेट्स हु आर ऑल थ्रू एस्पिरेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट डेट इज कैटेगरी नंबर 2 बट कुड नॉट हैव क्वालिफाइड फॉर द रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ A1 लेवल डिजायरेबल फॉर द पोस्ट हैड अप्लाइड फॉर देयर री मेडिकल टेस्ट थ्रू प्रॉपर प्रोसेस। फ्रेंड्स, ऐसे छात्र जिन्होंने री मेडिकल के लिए अपील की थी उन सभी छात्रों को फ्रेंड्स लोअर डिवीजन लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड में तो क्वालिफाई हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने जो है री मेडिकल के लिए यहाँ पर छात्रों ने अपील की थी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि इन व्यू ऑफ द अपील रिसीव्ड थ्रू प्रॉपर प्रोसेस इन दिस रिगार्ड द अपील द अंडर मेंशन्ड कैंडिडेट्स हैव बीन एक्सेप्टेड टू कंपटेंट अथॉरिटी एंड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो भी मेंशन है यहाँ पर नीचे, उसके हिसाब से जो छात्रों के री मेडिकल के लिए जिन छात्रों को रखा गया है, लिस्ट नीचे दी हुई है, उन छात्रों को प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है किस तरह से प्रॉपर प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो ये है, यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ दिया है कि द कैंडिडेट सेल रिपोर्ट टू द ऑफिस ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गोरखपुर ऑन द शेड्यूल डेट द टाइम रिसीव फ्रेश मेडिकल मेमो बाई सबमिटिंग रिक्वायर्ड एडिशनल मेडिकल एग्जामिनेशन फी अमाउंटिंग ₹24 आर सबमिटेड देयर क्रेडेंशियल एज रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि जो छात्र जिनका रोल नंबर यहाँ पर मेंशन है वो अपने टाइम रोल नंबर के हिसाब से जो है और अपनी डेट के हिसाब से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गोरखपुर के ऑफिस जा करके अपना मीमो लें और ₹24 की आपकी फीस लगेगी, वो मेडिकल एग्जामिनेशन फीस होगी, वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट में आपको करना क्या है कि द कैंडिडेट्स सेल हैव टू शो देयर मार्क्स आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपको जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है आपको आधार कार्ड पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी होता है वो आपको लेकर जाने हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है नेक्स्ट में कि कैंडिडेट्स आर नीड टू कम प्रिपेयर्ड फॉर वोल प्रोसेस द मेडिकल एग्जामिनेशन एज इट मे टेक टू एंड टू फोर डेज इन प्रोसेस। फ्रेंड्स, यहाँ बोला गया है कि जब आप जिन छात्रों को इसमें रोल नंबर नेम है मेडिकल के री मेडिकल के लिए, वो छात्र अपने 2 से 4 दिन का रहने खाने की व्यवस्था करके लाएं और साथ में अपने पासपोर्ट साइज 4 फोटो लेकर आए कलर में। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम डेट सभी कुछ नीचे दिया हुआ है, तो जो जो छात्र का इसमें रोल नंबर हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डेट रिपोर्टिंग आरआरबी गोरखपुर ऑफिस साइन द रिसीव द न्यू मेडिकल मीमो, आपको नया मेडिकल मीमो लेना है। जिन छात्रों का देखिए यहाँ पर बोला गया कि 6 जुलाई 2020 को सुबह 10 बजे पहुँचना है आपको, तो देखिएगा यहाँ पर आपको जो पहुँचना है, जिस छात्रों को 6 तारीख को सुबह 10 बजे पहुँचना है वो 18 कैंडिडेटों को पहुँचना है, इनको वाराणसी बताया गया है, इनको कहाँ बताएगा वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 7 तारीख को इन कैंडिडेटों को पहुँचना है, ये गोरखपुर को जाना है, ठीक है, ये वाराणसी जाना है, तो 18 कैंडिडेट ये हैं, ठीक है। उसके बाद 8 तारीख को कैंडिडेटों को जाना है इनको, और 9 तारीख को इन कैंडिडेटों को जाना है। तो जिन जिन का इसमें रोल नंबर हो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और ये जरूर बताएं कि आप किस जोन से थे और आपको कहाँ पर रीमेडिकल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक डेट इंपॉर्टेंट नोटिस बताया गया कि जो छात्र मेंशन की हुई डेट को नहीं पहुँच पाते तो उनको एक लास्ट मौका दिया जाएगा 13 जुलाई को, अगर 13 जुलाई को भी नहीं पहुँच पाते तो उनको कोई फिर दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा। और जो जिस पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जिनका पोस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, जो भी पोस्ट उनको मिल रहा है
वो पोस्ट इनको फिर दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें फिलहाल नोटिस में ये अपडेट था। अब नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट अपडेट जो आया हुआ है वो बिलासपुर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है। बिलासपुर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे सबसे नीचे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोविजनल रिजल्ट ALP एंड टेक्नीशियन, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने नोटिस ओपन कर लिया है। 01/2018 असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन प्रोविजनल पार्ट 4 द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन अगेंस्ट वेरियस पोस्ट कैटेगरी। फ्रेंड, जो छात्र लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड में क्वालिफाई थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे छात्र थे जो हायर मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल थे, तो ऐसे छात्रों को रीमेडिकल का ऑप्शन दिया था। और इसमें एक छात्र क्वालिफाई पाया गया है, कैटेगरी नंबर 134 टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिंगल, इसका रोल नंबर ये है, सेंट्रल रेलवे इनको मिला है। तो यहाँ पर जिन छात्रों का इसमें ये छात्र अगर वीडियो को देख रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो फिलहाल इतना ही था, और कोई दिक्कत प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।